मैं बहुत भावविहल हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहे। आज हम इस विराट उनके महल में उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तब से जब वो बेचारे उसके नीचे रहते थे तब से भी हम वो दर्शन करते आते रहे, हमेशा से हमारी आस्था रही है। देखिए मैं बहुत भावविहल हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और आज सबसे सौभाग्य की बात है भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावविहल हूँ, भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में कि भगवान श्री राम लला का दिव्य दर्शन आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व तो है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी, आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें, और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने, और 2027 में फिर एक बार 300 पार, 2047 तक विकसित भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बने, भारत गरीबी से मुक्त बने, सही मायने में राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के भक्त आज सत्ता में हैं तो सारा शोक जनता का दूर हो और उनके जीवन में खुशहाली खुशहाली आवे, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना करते हैं, सबके मनोरथ पूरे करें। और हनुमान जी महाराज का चूंकि भीड़ अधिक है इसलिए हनुमानगढ़ी आज दर्शन करने के लिए जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन हनुमान जी के चरणों में यहीं से प्रणाम करते हैं क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, इसलिए यहाँ से प्रणाम करके भगवान श्री रामलला के दर्शन किए, बहुत आनंद आया है, सब एकदम आनंद मग्न है, सबके हृदय में राम नाम बंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान रामलला के दर्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं, अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ, और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल, देखिए आज 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 हम इस विराट उनके महल में उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तब से जब वो बेचारे उसके नीचे रहते थे तब से भी हम वो दर्शन करते आते रहे हैं, हमेशा से हमारी आस्था रही है। हम कल भी आते थे, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे।